प्राचार्य इतिहास हरिहर साहा महाविद्यालय उदा कृष्णगंज मधेपुरा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कुषाण वंश और कनिष्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुषाण वंश मौर्योत्तरकालीन भारत का ऐसा पहला साम्राज्य था जिसका प्रभाव सुदूर मध्य एशिया, ईरान, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक था। इस साम्राज्य की तुलना विश्व के तीन महान साम्राज्यों से की जाती है, जिसमें रोम, चीन तथा पार्थियन प्रमुख थे। कुषाण वंश की उत्पत्ति चीन के यूची नामक जाति से मानी जाती है। कुषाण वंश के बारे में विस्तृत जानकारी के तीन स्रोत हैं। पहला बुद्धचरित्र, जिसकी रचना अश्वघोष ने की। दूसरा माध्यमिक सूत्र, जिसकी रचना नागार्जुन ने की, इसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तीसरा चीनी यात्री ह्वेनसांग, इसके यात्रा वृत्तांत से भी हमें कुषाण वंश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा चीनी साहित्य से हमें कुषाण वंश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कुषाण वंश के संस्थापक के रूप में कुजुल कड़फिसस को जाना जाता है, जिसका समय 15 ईस्वी से 65 ईस्वी के बीच रहा। इसके पश्चात उसका पुत्र भीम कटफिसस गद्दी पे बैठा, जिसका समय 65 ईस्वी से 78 ईस्वी के बीच रहा। इसके पश्चात कुषाण वंश का सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क गद्दी पर बैठा, जिसका समय 78 ईस्वी से 102 ईस्वी के बीच रहा। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जिसे वर्तमान सरकार में भारत सरकार के द्वारा भी उपयोग में लाया जा रहा है, जो इस वंश की महत्ता को दर्शाता है। कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में कनिष्क को जाना जाता है। इसने चीन भी को भी जीता था। कुषाण वंश की प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर थी, वहीं दूसरी राजधानी के रूप में मथुरा को जाना जाता है। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों, हीन यान और महायान में बट गया। बाद में इसकी तीसरी शाखा बज्रयान का भी जन्म हुआ। कनिष्क विद्वानों का आश्रयदाता था। इसने अपने समाज में कई विद्वानों को आश्रय दिया, जिसमें अश्वघोष प्रमुख थे, जिसने बुद्धचरित्र नामक पुस्तक की रचना की। इसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। वसुमित्र, जिसने महाविवाह सूत्र नामक पुस्तक की रचना की, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। नागार्जुन, जिसने माध्यमिक सूत्र की रचना की, इसे भारत का आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक चरक रहते थे, जिसने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके पश्चात भी उसने अपने साम्राज्य में अन्य धर्मों को आश्रय दिया। इसके समय अन्य धर्मों का भी विकास हुआ। कनिष्क मूर्तिकला के क्षेत्र में गांधार शैली और मथुरा शैली के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। गांधार मूर्तिकला को यथार्थवादी और मथुरा कला शैली को आदर्शवादी कला के नाम से जाना जाता है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत हुआ। वहीं सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण मथुरा कला शैली के अंतर्गत हुआ। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। इसके पश्चात योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में इस वंश का पतन प्रारंभ हो गया। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव को जाना जाता है। धन्यवाद।